स्वागत है। आज मैं बेसन की इजी और स्पेशल रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसका नाम है बेसन बाइट। तो आइए देखते हैं बेसन बाइट कैसे बनाया जाता है। तो आइए देखते हैं बेसन बाइट बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। ये मैंने एक कटोरी बेसन ले लिया है जो मैंने कटोरी से मेजरमेंट कर लिया है। एक टीस्पून मैंने धनिया पाउडर, आधी टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर, एक टीस्पून मैंने नमक और आधी टीस्पून मैंने लाल मिर्ची पाउडर लिया है। एक टीस्पून मैंने राई के दाने और एक चुटकी हींग। अब सबसे पहले मैं बेसन को इस बाउल में खाली करूँगा और जितना मैंने बेसन लिया है जस्ट उसके दुगना, एक कटोरी अगर मेरा बेसन है तो दो कटोरी में पानी लूँगी। ये देखिए, एक कटोरी पानी मैंने इसमें डाल दिया, मैंने एक कटोरी पानी इसमें डाल दिया है। इसके लम्स ख़त्म होने तक इसको मैं घोल लूँगी, दूसरा कटोरी पानी मैं फिर डालूँगी। इसमें मैं सारे मसाले डाल दूँगी। ये मैंने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, ये मैंने नमक डाल दिया, ये हल्दी डाल दी और ये एक चुटकी, ये चुटकी से मैंने हींग डाल दी। अब इसको हम पहले अच्छी तरह मिला लेंगे और इसके सारे लम्स ख़त्म करेंगे। ये मैंने एक कटोरी पानी में अच्छी तरह फेंट लिया है। अब इसमें मैं दूसरी कटोरी पानी फिर डालूंगी। और इसको एक पतला सा घोल बनाएंगे। ये एक ऐसा हेल्दी नाश्ता है जो अगर घर में कभी कुछ ना हो तो आराम से घर बनाया जा सकता है, इजीली बनाया जा सकता है। ये बेसन का घोल मैंने तैयार कर लिया है। इसमें बाकी कुछ भी नहीं लगा हुआ है, सिर्फ बेसन और थोड़ा थोड़ा इसमें मसाले लगे हुए हैं। अब मैंने ये कढ़ाई गरम कर ली है और ये खाली कढ़ाई है, इसमें मैंने तेल वगैरह कुछ नहीं डाल रखा है। और अब मैं इसमें डायरेक्ट इसको डाल दूंगी। ये देखिए, और मैं इसको तब तक चलाऊंगी जब तक ये इकट्ठा ना हो जाए। इसको हम फुल फ्लेम में बनाएंगे, बीच बीच में इसको हम सिम पे भी कर देंगे। ये एक आटे की तरह डो बन जाएगा और इसको लगातार चलाना है। ये नॉन स्टिक की कढ़ाई में और बढ़िया बनता है, एल्युमिनियम की कढ़ाई में मैंने इसलिए बनाया है ये क्योंकि चौड़ा चौड़ा बर्तन है। ये देखिए, एक मिनट में ही इतना गाढ़ा हो गया। इसको बनने में 2 या 3 मिनट लगते हैं। ये एक बहुत हेल्दी नाश्ता है। इस समय कोरोना काल में बाहर कोई भी नहीं निकल रहा है, बाहर का खाना बाहर का नाश्ता सब अवॉइड कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को आप एक हेल्दी नाश्ता घर पे ही बना के दे सकते हैं। ये बनने के बाद बहुत ही क्रिस्पी होता है। इसको इकट्ठा बना के आप एक हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं, जब मन चाहे तब बच्चों को नाश्ते के रूप में आप इसको दे सकते हैं। इसको एयरटाइट जार में ही आप स्टोर करें, नहीं तो ये छिल जाएंगे। अब बेसन हमारा तैयार हो गया है और मैंने एक स्टील की थाली को ग्रीस कर लिया है। अब ये सारा बेसन हम इसमें डाल देंगे। हम धीरे धीरे इसको हम कटोरी की सहायता से फैलाएंगे, एक रोटी का आकार देंगे इसको हम, और 10 मिनट हम इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। अब बेसन हमारा सेट हो गया है, इसको 10 मिनट हो गए हैं। अब इसको हम छोटे छोटे चकोर आकार में काट लेंगे।
ये डो हमने ना ज़्यादा पतला किया ना ज़्यादा आटे की तरह टाइट किया। ये बेसन के हमने बर्फी के से पीस कर लिए हैं, अब इसको हम सैलो फ्राई करेंगे। कढ़ाई में थोड़ा सरसों का तेल डालेंगे। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम अब ये जो हमने राई ली हुई थी ये डालेंगे और ये धनिया पाउडर तेल में ही डाल देंगे और इसको हम इकट्ठे साथ में डालेंगे। कि हमको ये सैलो फ्राई करने हैं, डीप फ्राई नहीं करने हैं, तो हम धीरे धीरे कुरकुरे होने तक फ्राई करेंगे। इस रेसिपी में सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि बेसन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करते हैं, नहीं तो बाइंड होने में प्रॉब्लम आती है। इसको थोड़ा सा गीला ही रखते हैं। ये देखिए हमारे बेसन बाइट्स बिल्कुल क्रिस्पी हो गए हैं, इसमें धनिया और राई की कवरिंग हो गई है। अब इसको हम सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। ये देखिए बेसन ब्राइट्स बनके तैयार हो गए हैं, ये बहुत ही क्रिस्पी बने हुए हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।